बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर जाट के अंदर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने ग्रामवासियों को 10 लाख रुपए की विकास राशि प्रदान की। व्यायामशाला में बच्चों के लिए 2 से 3 कमरे बनाए जाएं, जिसके अंदर जिम का सामान रख सके। ठेकेदार द्वारा यह कार्य शुरू करवा दिया गया है, लेकिन ठेकेदार पर आरोप है कि मटेरियल 2 नंबर का लगाया जा रहा है और कमरों के अंदर कोई पिलर वगैरह नहीं दिए गए। गांव वालों ने इसकी शिकायत लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के पास पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। लेकिन सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने मंत्री साहब की बात भी अनदेखी कर डाली। इसी बात को लेकर पूरे ग्रामवासियों में रोष पैदा हो गया और एकजुट होकर व्यायामशाला में जाकर कार्य बंद करवा दिया गया। ग्रामवासियों की सरकार से मांग है कि जब तक हमारा जो विकास राशि आई है उसका सही उपयोग नहीं करते हैं तो उन पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम अपना कार्य पूरा करवाना चाहते हैं, सरकार द्वारा यही हमारी मांगे हैं। शिकायती विजय सिंह, सतबीर सिंह, मुकेश कुमार, एडवोकेट अमित सिरोवा, उदयवीर पंच, रामनिवास हंसराज, अजीत कुमार। मेरा नाम है विजय सिंह, सनोक श्री महेंद्र सिंह, गाँव मोहम्मदपुर। सर, समस्या ये है कि ये जो हॉल बन रहा है व्यायामशाला के लिए, इसका ये जिम हॉल के लिए इसका टेंडर जारी हुआ था और ये पिछली योजना में इसका टेंडर जारी हुआ था, उस टाइम इसका काम चल गया था। तो गांव ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई इसमें पिलर लगाओ। मंत्री जी आए थे यहाँ ग्राउंड में, ये सर मंत्री जी आए थे यहाँ पे और ग्राउंड के अंदर, तो उस टाइम इनको उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि एक जिम के लिए हॉल बनाया जाए यहाँ पे, तो मंत्री जी ने उस बात को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद इसका टेंडर जारी हुआ, टेंडर जारी होने के बाद इसका काम शुरू हो गया था जी। टेंडर कितने का हुआ सर? टेंडर का 10 लाख, 10 लाख। तो उसके बाद जैसे इसका काम शुरू हुआ तो इसमें जिसको भी इसका ठेका मिला था उसने इसमें काम शुरू करने के बाद जैसे इसकी नीम की खुदाई करी तो इसमें ईंटों से ही भर दिया उसने, इसके अंदर कोई पिलरों की व्यवस्था नहीं की गई। तो उसके बाद ये काम रुकवा दिया गया था बीच में। काम रुकने के बाद उसके बाद ये फिर दोबारा से शुरू हो गया, उसने अपनी मर्जी से किया या गांव में किसी से पूछ के किया, ये गांव में तो किसी से पूछा नहीं, सरपंच ने जरूर इसके बारे में कोई कमेंट कहा हो तो हम कह नहीं सकते। उसके बाद जैसे काम शुरू हुआ हमने इसको फिर रोकने की कोशिश करी, तो उसके बाद एक दिन तो 19 तारीख को तो सरपंच ने यहाँ हमारे ऊपर पुलिस तक बुला लिया। अब ये पुलिस बुलाई उसने रोब के लिए, भाई इनके डर से शायद ये काम चलने देंगे। हमने इसको कह दिया भाई तू काम कर अपना, हम जाके मंत्री से मिलते हैं। लिखित में एप्लीकेशन BDO ऑफिस में JE साहब को दिया था शुक्रवार को। उस दिन BDO ऑफिस में सिर्फ JE साहब थे, बाकी एक्शन और BDO वगैरह SDM वगैरह थे नहीं, वो सब गए हुए थे DC मीटिंग में, तो उन्होंने रिसीव करके दे दिया। उसके बाद इसने ठेकेदार ने काम रोका नहीं, काम उनका कंटिन्यू चलता रहा, ठेकेदार को हमने कुछ कहा नहीं। उसके बाद हम गए हैं संडे को, कल 23 तारीख को हम गए हैं मंत्री जी के पास, डॉक्टर बनवारी लाल जी के पास, वहाँ पे गांव के बच्चे पूरे इकट्ठे होकर जी। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर बनवारी लाल जी से मिले हैं और उनको हमने जो सिचुएशन थी उनसे हमने उनको आगाह कराया जी। उसमें ये 42 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा हॉल है जो उसमें एक भी पिलर नहीं है। उनका कहना यह था कि भाई ये ड्राइंग में इसमें नहीं है, तो हमने बोला जी ड्राइंग में नहीं है तो बजट कम पड़ा था, आप इसका बजट बढ़ा के दे सकते हो तो दे दो, अथवा नहीं कर सकते हो तो सर हमने ये हॉल नहीं बनवाना है, इसमें खतरा है क्योंकि बगैर पिलर के ये कभी भी छत गिर सकती है, बच्चे अगर अंदर व्यायाम कर रहे हैं तो वो कोई भी किसी के साथ भी ट्रेजेडी हादसा हो सकता है। तो हमने 2 ही बातें रखी थी इसके लिए, नंबर 1 अगर इसमें पिलर दिए जाएं तो हम इसके लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर पिलर नहीं देते हैं वो ऐसे ही करता है तो जी हमने ये क्लियर कह दिया जी हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे और हमें ये हॉल चाहिए नहीं, आपका जो पैसा आपने हमें दिया था उसके लिए मेहसान बंद है, बाकी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपका टेंडर आपको वापस किया जाए, हम इस काम को नहीं चाहते।